आज का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें चुनने के लिए योजना बनाई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पर इस घर में हैं, परमेश्वर के चरणों में हैं, तो विश्वास करिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप यूं ही नहीं आ गए, यूं ही आपके मन को परमेश्वर ने नहीं बदला, यूं ही आप नहीं आ गए प्रभु के लिए। अगर आप समझते हैं आप अपने लिए आए हैं तो आप गलत सोचते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए आज आप इस चर्च का एक हिस्सा हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको चुनने से पहले आपके लिए योजना बनाई है। आज हम बाइबल के अनुसार जानेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम चुने तो गए हैं, लेकिन हम काम क्या करें, हमें क्या करना है परमेश्वर के राज्य में, क्यों हम हैं परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में, हमारे मन में संदेह लाता है कि वाकई परमेश्वर ने हमको चुना है, वाकई परमेश्वर ने हमको अपने लिए बुलाया है। विश्वास करिए, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। आपको चुनने से पहले उसने योजना बनाई है, और बाइबल बताती है कि उस योजना को परमेश्वर ने आपको बताया है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हम जब धरती पर आते हैं, जब जन्म लेते हैं, मां बाप से आते हैं, सांसारिक रूप में जब हम धरती पर आते हैं, तो हमें पता नहीं होता हम धरती पर क्या करने आए हैं, मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं दिल्ली से आया था, एक अनाउंसर था मैं दूरदर्शन पर, 5 साल मैंने अनाउंस किया दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में मैंने अनाउंस किया। लेकिन जब बॉम्बे आया एक एक्टिंग के लिए, हीरो बनने के लिए, हीरो बना भी, लेकिन उसके बाद मेरी फिल्में नहीं चली। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं सोचता था मैं क्या करूं, फिर मैं डायरेक्टर बन गया, राइटर बन गया, लेकिन कभी कभी सोचता था कि मैं करने क्या आया हूं, क्या सिर्फ पेट के लिए, क्या अपने जीवन को, अपने पेट को, अपने जीवन को चलाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम अक्सर यही काम करते हैं, हम अपनी रोजी रोटी के लिए अपने जीवन को चलाते हैं, कहां से हमें अच्छी रोजी रोटी मिल रही है वो हम काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है, परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए चुना है। जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, जब यीशु मसीह ने मुझे छुआ और चुना, तब मैंने जाना कि मैं यहां पर क्यों हूं, इस धरती पर मेरा काम क्या है, क्यों मुझे परमेश्वर ने रचा है। सिर्फ बाइबल है जो आपको बताती है कि आप कहां से आए हैं, आपको यहां क्या करना है और आपको कहां जाना है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ बाइबल है। अगर हमें यह पता लग जाए कि हमें यहां क्या करना है और कैसे करना है और किसके साथ करना है, तो हमारा जीवन बहुत ही आसान है। हम अपने जीवन को मुश्किल कर देते हैं ताकि हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही आसान है। परमेश्वर तैयार है आपको अपने साथ ले चलने के लिए। इसलिए परमेश्वर आपको चुनने से पहले आपके लिए योजना बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और उस योजना को आपको बताता है कि आपको धरती पे करना क्या है, मैंने आपको क्यों चुना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे नाम को जानता है। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारे नाम को अपनी हथेली पर लिखा हुआ है। बाइबल कहती है कि हम उसकी आंखों की पुतली हैं, उसने हमारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। सोचिए वो हमसे कितना प्रेम करता है, सोचिए वो हमारे जीवन में कितना काम करना चाहता है, लेकिन वो कब काम करेगा, जब हम उसे इजाजत देंगे, जब हम समझने की कोशिश करेंगे, जब हम अपने दिल को खुला करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सांसारिक जीवन में जीते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं। आज यहाँ काम नहीं है, कल वहाँ काम नहीं है, आज यहाँ से पैसा नहीं मिला, कल वहाँ से पैसा नहीं मिला, मेरा धंधा डाउन हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और यही कशमकश हमें पाप की ओर लेके जाती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरा बच्चा है, मैंने तुझे चुना है और चुनकर नियुक्त किया है, इसलिए तू मुझे जान और मेरे करीब आ। जब तू मेरे करीब आएगा, जब तू मुझ में आएगा और मैं तुझ में होऊंगा, तब तू मेरी आवाज सुन पाएगा, तब तू मेरे मन को जान पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर व्याकुल है, पिता परमेश्वर आपको अपना मन दिखाना चाहता है। कितने लोग परमेश्वर का मन देखना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर का मन देखना चाहेंगे, मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, आपको दिखेगा कि वो कितना प्यार करता है आपको, कितना प्यार करता है आपके लिए, कितनी तड़प है उसके लिए, उसके मन में। ऐसे ही उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं दिया,
ऐसे वो नहीं कहता, बाइबल नहीं कहते कि आप उसकी आंखों की पुतली हैं। उसने आपके लिए इस संसार को रचा, स्वर्ग को रचा, अपनी समानता अपने स्वरूप में आपको बनाया, अपनी बुद्धि दी, अपना जीवन दिया, अपनी सांसें आपके अंदर उड़े ली हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप बहुत बहुमूल्य हैं, आप बहुत कीमती हैं। लेकिन वो कहता है कि आप उस कीमत को समझें, उस रिश्ते को समझें जो परमेश्वर आपके संग बांधता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम एक वचन देखेंगे, कई वचन देखेंगे, लेकिन आपकी मैं शुरुआत करना चाहता हूं उत्पत्ति 1:26 से। हालेलुया, उत्पत्ति 1:26-27-28। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा आज आप जानिए कि परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले उसके लिए योजनाएं बनाई, आदम को रचने से पहले उसने उसके लिए योजनाएं बनाई कि आदम को धरती पर करना क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, अगर इस जीवन में आने से पहले मुझे पता लग जाए कि मुझे क्या करना है तो जीना कितना आसान होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कितना आसान होगा जीना अगर मुझे पता लग जाए मुझे करना क्या है, दुविधा क्या है, संकट क्या है, मुश्किल क्या है, कंफ्यूजन क्या है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, मुझे पता ही नहीं मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, मुझे उस पढ़ाई का कैसे उपयोग करना है, मुझे किस दफ्तर में जाना है, मुझे क्या करना है, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मेरे अंदर कौन सी बुद्धि है, मुझे पता ही नहीं है। हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, खुद को जानते ही नहीं है। हम उस पिता परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते हैं जो जीवित है, जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने आकाश और धरती को बनाया। जिस दिन आप उसे जान लेंगे मेरे भाई, उस दिन आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 1:26-27-28 जल्दी से पढ़िए, ध्यान से। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। किसने कहा, किससे कहा? परमेश्वर ने कहा। यहां पर हम शब्द आया है, हम शब्द आया है, हालेलुया। यानी कि त्रिएक परमेश्वर है, पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा, यहां पर तीनों हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ निर्णय लेते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने समानता अपने स्वरूप में रचें। देखा, अब उसने अभी तक रचा नहीं किया है, याद करिए, ध्यान दीजिए कि अभी तक मानव, अभी तक आदम रचा नहीं किया है, आओ हम उसको अपनी समानता अपने स्वरूप में रचें। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई कि उसको धरती पर काम क्या करना है। 27वां, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेली पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। एक मिनट, हालेलुया। उत्पत्ति 1:26 क्या कहता है कि आओ हम इन्हें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचें। उसके बाद उसने बताया कि मैंने क्यों रचा है, हम क्यों रच रहे हैं, क्योंकि धरती पर मनुष्य उन पशुओं को, जीव जंतुओं को और जो पशु हैं, पक्षी हैं, उन सबको अपने अधिकार में ले ले। हेलो, परमेश्वर ने धरती पर हमें अधिकार के लिए बनाया है, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए लोग आप पर अधिकार जता रहे हैं, शैतान आप पर अधिकार जता रहा है। परमेश्वर ने आपको अधिकार रखने के लिए बनाया है, प्रभुता रखने के लिए बनाया है, लेकिन आप परमेश्वर से दूर हैं, अज्ञानता आपके साथ है, इसलिए शैतान आपको अधिकार ले रहा है। आप शैतान के अंदर हैं, आप दास बनकर रह रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप कौन हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको धरती का अधिकारी बनाया है मेरे भाई, प्रभुता धरती पर आप प्रभुता करें, इसलिए परमेश्वर ने आपको अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो हमने देखा कि परमेश्वर ने उसको बनाने की योजना बनाई, उसके बाद उसने आदम को क्या काम करना है ये बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद उसने आदम को रचा और उसको बताया, क्या बताया, 128 में, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा जाओ, आशीष दी कि इस धरती को अपने वश में कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें बनाकर, हमें बनाता है, चुनता है और हमारे लिए योजना बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नया नियम का हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 15:16, जो आप सबको पता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि वचन हमें क्या बताता है कि परमेश्वर आपको चुनता है और चुनने के बाद आपको निखारता है, आपको संवारता है। ध्यान दीजिए, कितने लोग विश्वास करते हैं आप चुने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चुने हुए हैं तो परमेश्वर आपको संवारने में दिलचस्पी रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको चुना, आपको चुनकर आपको यूं ही नहीं काम में लगाएगा, वो आपको संवारेगा, आपको बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि वो आपको अपने योग्य बनाता है, ताकि आप उसकी आवाज सुन सकें, ताकि आप उसको समझ सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल कहती है, वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का फल क्या है? वो फल क्या है जो परमेश्वर चाहता है आप में बना रहे? उसकी उपस्थिति का फल, उसके ज्ञान का फल, उसके सामर्थ्य का फल, उसकी पवित्रता का फल, उसकी धार्मिकता का फल। वो चाहता है कि वो मुझ में बना रहे, और जब वो फल मुझ में बना रहता है तब वो कहता है कि तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हम कंफ्यूजन, हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इस वचन को समझते नहीं है। हम समझते हैं कि परमेश्वर हमें को चुना है और हम जो कुछ भी मांगेंगे हमें परमेश्वर देगा, हालेलुया। लेकिन इस वचन को समझिए, यहां वचन कहता है कि अगर तुम्हारा फल जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर का है, अगर तुम में है, अगर वो तुम में बना हुआ है, तब तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चुना किसने? परमेश्वर ने हमको। नियुक्त किसने किया? परमेश्वर ने हमको। संवारा किसने? परमेश्वर ने हमको। लेकिन उसके फल को अपने अंदर किसको रखना है? हमें रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वचन आप सुनते हैं मेरी बहन, ये वचन आपके जीवन में कब काम करेंगे? जब आप इन वचनों को अपने अंदर रखेंगे, जब आप विश्वास के संग इन वचनों को अपना बना लेंगे, जब आप इन वचनों पर विश्वास करेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर विश्वास करेंगे, जब आप कहेंगे कि नहीं, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का ही सुख चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका फल जब तक आपके अंदर बना रहेगा। क्यों परमेश्वर चुनता तो बहुतों को है, बुलाता बहुत, बुलाए गए बहुत है लेकिन चुने गए बहुत कम है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों क्यों सबके संग सबके साथ आशीष नहीं होती है? क्यों सबके साथ चमत्कार नहीं होते हैं? क्यों परमेश्वर का सामर्थ्य सब में नहीं दिखता है? क्योंकि हर भाई हर बहन उसका फल अपने में बनाकर नहीं रखता है। बाइबल कहती है कि हमें उसका फल, वो फल जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें अपने अंदर बना के रखना है। यीशु मसीह ने वो फल अपने अंदर बना के रखना, जब वो स्वर्ग से धरती पर आए, उन्होंने वो फल, पिता का फल जो परमेश्वर ने दिया था, उस विश्वास को, उसकी धार्मिकता को उसने अपने अंदर बना के रखा, वो दीनता को उसने अपने अंदर बना के रखा, वो नम्रता को उसने अपने अंदर बना के रखा, और अंत तक यीशु मसीह ने परमेश्वर के योग्य चाल चली,
उस फल के योग्य चाल चली। उसने हर एक से कहा कि मेरा पिता क्या बोलता है, मेरा पापा ये बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, वो पिता का बच्चा था। प्रेज द लॉर्ड। तब उसका जो सामर्थ था, परमेश्वर का सामर्थ था, परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर की कृपा थी, परमेश्वर की उपस्थिति यीशु मसीह में बनी रहती थी। हालेलुया। वो जो कहता था होता था। वो मुर्दों से कहता था जिंदा हो जाए, मुर्दे जिंदा हो जाते। वो अंधों को बोलता था तुम्हारी आंखें मिल जाए, आंखें आ जाती थी। कोढ़ियों को शुद्ध कर देता था, हाथ लगाता था। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसकी परमेश्वर की उपस्थिति थी। आज परमेश्वर आपके द्वारा भी काम करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि उसकी उपस्थिति आपके अंदर बनी रहे। हेलो, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर कैसे रहेगी? जब हम परमेश्वर के होंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति की कीमत को समझेंगे। हमारे अंदर परमेश्वर ने शुद्धता बना के रखी। हालेलुया। इजेकल 36 25 से 27 के बीच में हम बाद में पढ़ेंगे इसको। मैं बताता हूं आपको किस तरीके से परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमारे मन को नया किया, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाला। हालेलुया। अपनी आत्मा हम में उड़े ली। क्यों? ताकि वो हमें उसने संवारा है। किसके योग्य? अपने योग्य, ताकि हम उसकी बात को समझ सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, हम सांसारिक बातों को तो समझ लेते हैं, लेकिन स्वर्गीय बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। स्वर्गीय इशारों को हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम संसार से निकलना ही नहीं चाहते। आप संसार से निकलकर जब प्रभु के चरणों में आएंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति की वैल्यू को समझेंगे, जब उस कीमत को समझेंगे कि नहीं, एक पवित्रता की कीमत होती है। मेरे अंदर वो पवित्रता, मेरे अंदर वो उपस्थिति, मेरे अंदर वो आशीष, मेरे अंदर वो धार्मिकता बनी हुई है और बनी रहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम बाइबल के वचनों को समझने की कोशिश नहीं करते। सुनते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है। अब यीशु मसीह मंदिर में गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम बाइबल देखेंगे तो जब यीशु मसीह अपने चेलों के संग मंदिर गया तो मंदिर में बाजार चल रहा था। मंदिर में क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था। कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ खरीद रहा था। प्रेज द लॉर्ड। क्या चल रहा था? व्यापार चल रहा था। यीशु मसीह गुस्सा आया और यीशु मसीह ने उस मंदिर को साफ किया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उस मंदिर को उठाया, बाजार जो लगा हुआ था उसने उठाया और साफ किया कि नहीं, मेरे पिता का मंदिर व्यापार का अड्डा नहीं हो सकता है। मेरे पिता का मंदिर जो है वो पवित्र मंदिर है और यहां पर पवित्र आत्मा की शक्ति होनी चाहिए, यहां पर परमेश्वर का आशीष होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने उठाया मंदिर को और साफ किया। प्रेज द लॉर्ड। किसके मंदिर को साफ किया? मुझसे बात करिए, किसके मंदिर को साफ किया? पिता के मंदिर को। किसके मंदिर को साफ किया? बोलिए, पिता के मंदिर को। पिता के मंदिर को साफ किया उसने। हालेलुया। पिता का मंदिर यहां पर कौन है? पिता का मंदिर यहां पर कौन है? हालेलुया। हम पिता का मंदिर है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3:16 क्या कहता है? कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर है, हम उसकी देह है और उसके मंदिर है। हालेलुया। और उसकी आत्मा हम में वास करती है। प्रेज द लॉर्ड। आप ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने मंदिर को साफ करने के लिए, मंदिर को साफ करने से पहले प्रार्थना नहीं की कि पिता परमेश्वर इन्होंने मंदिर गंदा किया हुआ, यहां बाजार चल रहा है, इसे साफ कर दे परमेश्वर, इसे साफ कर दे। नहीं, उन्होंने अधिकार, जो उसका अधिकार था, जो सामर्थ था, उस सामर्थ का यूज किया और उसने मंदिर को साफ किया। हम क्या करते हैं? हम जब पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हम जानते हैं कि लालच पाप है, हम जानते हैं कि ईर्ष्या पाप है, हम जानते हैं कि किसी को माफ ना करना पाप है, हम जानते हैं कि व्यभिचार पाप है, लेकिन जब ये विचार हमारे अंदर आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया कर, ये लालच मेरे अंदर से निकल जाए, ये व्यभिचार मेरे अंदर से निकल जाए, ये स्वार्थ मेरे अंदर से निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना करके हम चुप हो जाते हैं, हम समझते हैं कि हमने अपना काम कर दिया। नहीं, हमें अपने मंदिर को साफ करना है। हम रोज शपथ सुनते हैं, रोज यहां बच्चे शपथ देते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10:4-5 क्या कहता है? कि उस विचार को जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उस विचार को जो हमारी ओर आ रहा है, जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध है, उस विचार को हमें ध्वस्त करके यीशु मसीह का गुलाम बना देना है।
प्रेज द लॉर्ड, हमारे पास वो अधिकार है। अगर कोई गलत भावना हमारे मन में आ रही है, अगर कोई गलत विचार हमारे मन में आ रहा है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करनी है कि हमारे अंदर से लालच को निकाल दे। परमेश्वर आपको पवित्र कर चुका है, अब उसकी पवित्रता को कायम आपको रखना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरे अंदर से लालच निकल जाए, मेरे अंदर से घमंड निकल जाए। नहीं, हमें इस घमंड को यीशु मसीह का गुलाम बना देना है, हमें इस विचार को यीशु मसीह का गुलाम बना देना है, और हमें देखना है कि वो दोबारा ना आए। जैसे घमंड हमारे अंदर आ रहा है, उठा जाए घमंड, हट, अय लालच हट, अय व्यभिचार निकल। गलत भावना आपके अंदर आती तो आपको पता लगता है कि नहीं लगता है? प्रेज द लॉर्ड, आपके अंदर गलत भावना आ रही है आपको पता लगता है? लेकिन अगर आप प्रभु के मसीह हैं, अगर आप परमेश्वर के मंदिर हैं, तो आप उसी समय उसको निकालेंगे। नहीं, आपने अपना ऑफिस साफ किया हुआ है, आपने अपना घर साफ किया हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, और बाहर का कोई आपका पड़ोसी है, आपकी बहन है, और वो झाड़ू लगा रही है, और वो झाड़ू लगाते लगाते अपना कचरा लाकर आपके घर में डाल देगी, आप डालने देंगे? अरे अरे अरे, क्या कर रही है बहन आप, ये कचरा निकालिया है? हेलो, घर खुला हुआ आपका, क्या उस कचरे को आने देंगे अपने अंदर आप? नहीं। क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु दया कर, इस बहन को बोल परमेश्वर ये कचरा ना डाले, ऐसा करेंगे? आप उसे बोलेंगे, बहन ये कचरा है और ये घर है, प्रेज द लॉर्ड, मेरा घर पवित्र है, मेरा घर स्वच्छ है, मेरा घर साफ है, प्लीज इस कचरे को आप निकालिए। हालेलुया, ये काम हमें करना है, परमेश्वर का सामर्थ हम में है। आदम को उसने अधिकार दिया है कि धरती पर प्रभुता रख, धरती पर प्रभुता रख, इसलिए वो अधिकार हमारे पास है, हमारा मंदिर है, हमें अपने मंदिर को साफ करना है जिस तरह हम अपने घर को साफ करते हैं, रोज रोज अपने घर को साफ करते हैं, सुबह शाम निकालते हैं, कोई कचरा तो नहीं है? उसी तरीके से हमें देखना है कि मेरा घर, मेरा जो मंदिर है प्रभु का, वो गंदा तो नहीं हो रहा है, कोई गलत विचार मेरे अंदर है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे लिए है, मुझे परमेश्वर ने किसी काम के लिए चुना है, मुझे परमेश्वर ने किसी औहदे के लिए चुना है, परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है, इसलिए मुझे अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, संसार को अपने अंदर से निकालना है। शमूएल, उसकी मां का नाम क्या था? हन्ना। प्रेज द लॉर्ड, हन्ना के बच्चा नहीं हो रहा था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जोशुआ के बाद परमेश्वर के पास कोई नबी नहीं था, वो न्यायियों के द्वारा अपने इसराइलियों को, अपनी प्रजा को बचा रहा था, उसके पास कोई नबी नहीं था जिससे वो बात कर सके, जिसके द्वारा वो बचा सके, इसलिए उसे एक नबी की जरूरत थी, इसलिए उसने हन्ना की कोख को बंद कर दिया। वो हन्ना जो परमेश्वर को जानती थी, वो हन्ना जो परमेश्वर से प्यार करती थी, परमेश्वर के भय में थी, लेकिन उसकी वो माँ बनना चाहती थी, परमेश्वर ने उसके अंदर तड़प पैदा की, वो माँ बनना चाहती थी, वो किसी बच्चे को रोता हुआ देखती थी, तड़पती थी, रात को कोई अगर बच्चा उसके पड़ोस में रोता था तो वो तड़पती थी, अपने पति से कहती थी कि अरे वो बच्चा रो रहा है, मैं उसको उठा के लाती हूँ, मैं उसे चुप कराती हूँ, वो तड़पती थी माँ बनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी थी। प्रेज द लॉर्ड, पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके मन को, परमेश्वर की योजना थी उसके लिए, परमेश्वर की योजना है। अगर परमेश्वर आपको किसी चीज से दूर करता है तो आप उदास मत होइए, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आपका पिता क्या आपको कभी भी दुख देगा जानबूझकर? प्रेज द लॉर्ड, हमारा विश्वास होना चाहिए कि मेरा पिता मुझे कभी भी दुख नहीं देगा। अगर मेरी नौकरी जाती है, हम आनंद से उसको स्वीकार करें, क्योंकि ये जो नौकरी मुझे थी मेरे पास, ये भी मेरे पिता ने दी थी, और जो आगे देने वाला है वो भी मेरा पिता ही देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हम डर जाते हैं और हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते हैं। हन्ना की कोख को बंद कर दिया था और हन्ना के अंदर मां बनने की तड़प पैदा की थी।
वो रोती थी कि मैं मां बनूं। परमेश्वर चाहता था कि मैं एक ऐसा नबी पैदा करूं जो संसार ना देखे, जिसके अंदर संसार ना हो, जो सिर्फ मुझे जाने, जो सिर्फ मेरे नाम को पहचाने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना हन्ना के द्वारा पूरी हुई। हन्ना ने प्रार्थना की। आप देखिए 10 और 11, पहला शमूएल 10 और 11 में हन्ना ने प्रार्थना की परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से समझिएगा, इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हन्ना के द्वारा अपनी योजनाओं को बताया है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि आपको जन्म देने से पहले, आपको चुनने से पहले परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है, आपके लिए काम चुनता है कि आपको क्या करना है यहां पर। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना जो कि तड़प रही थी बच्चे के लिए, 10 में क्या कहती है सुनिए। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। वो व्याकुल होकर, मन में व्याकुल होकर, तड़प तड़प कर। व्याकुलता क्या थी? परमेश्वर की। किसे खोज रही थी? परमेश्वर को। किसकी आस थी? परमेश्वर की। वो किसी और के पास नहीं गई अपनी कोख खुलवाने के लिए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, किसी वैद्य के पास नहीं गई, वो किसके पास आई? परमेश्वर के पास। वो व्याकुल हुई और तड़प रही थी कि मेरी कोख खुले, मैं मां बनना चाहती हूं। हालेलुया। उसकी प्रार्थना थी, वो रो रही थी कि प्रभु मैं मां बनना चाहती हूं। उसके रोने में उसका सबब था, उसके रोने में उसकी प्रार्थना थी। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए 11वां वचन क्या कहता है। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपने दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब आप समझिए कि वो औरत जो तड़प रही थी अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा मेरे पास हो, मैं एक मां बनूं, वो औरत मन्नत मांग रही है, क्योंकि मन्नत किसने मंगवाई? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं के जरिए अपनी योजनाओं को बताया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के जरिए उसको बताया कि मैं क्या चाहता हूं। लॉर्ड। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम तेरी सहायता करना चाहते हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं। 2004 में परमेश्वर ने मुझे छुआ, मुझे चुना, और मैं तड़पता था कि मैं जाऊं परमेश्वर तेरा सुसमाचार के लिए। मैं घुटने टेकता था, रोता था कि प्रभु मुझे ले चल, मुझे कहीं ले चल, मैं ले जाऊं और तेरी सेवा करूं, प्रार्थना करूं, लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। मैं तड़पता था। प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर का फोन आया भुसावल से, पास्टर सरीचंद, आदिवासियों के बीच में वो सेवा करते थे। मैं बॉलीवुड से आया, जैसे मैंने आपको बताया 5 फिल्मों का हीरो रह चुका हूँ, कई सीरियल्स मैंने डायरेक्ट किए हैं, ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसर था, तो मैंने अच्छी लाइफ देखी है। 5 स्टार्स 7 स्टार्स में ही मैं रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आशीष मैंने पाई है। तो और मैं जब प्रभु में आया तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर, और मेरी प्रार्थना देखिए, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि मैंने क्या प्रार्थना की। मैं भावनाओं में बहकर प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे कहीं भी तू लेके चल, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूं, मुझे लेके चल, मुझे लेके चल। प्रेज द लॉर्ड। अब एक फोन आया भुसावल से, पास्टर सरीचंद का। उन्होंने कहा 4 दिन की सभा है, आप पासवान आएंगे और हमें, हमारे अगुओं को, हमारे जो चर्च को सुसमाचार सुनाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा मैं तो तैयार हूं आने के लिए। मैंने टिकट कराया और भुसावल गया। भुसावल गया, अब मेरे पास 2 इटैचियां थी, एक बड़ी इटैची थी। हालेलुया। क्योंकि मैंने कहा कोई आएगा गाड़ी में लेने के लिए आएगा, कार में लेने के लिए आएगा मुझे। प्रेज द लॉर्ड। तो बिकॉज मैं बॉलीवुड से था, कभी मैंने अपने अंडरगारमेंट्स धोए नहीं आज तक। प्रेज द लॉर्ड। तो वाइफ जहां भी जाता था तो वाइफ उतने रखती थी, 4 अंडरवियर्स, 4 बनियान, मतलब एक एक ज्यादा रखती थी, 4 कमीजें, ताकि मुझे धोना ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। तो वो सूटकेस काफी बड़ा हो गया। तो मैं उतरा तो एक भाई मुझे लेने के लिए आया मोटरसाइकिल से। हमको जाना है 70 किलोमीटर दूर। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे मोटरसाइकिल, मैंने कहा गाड़ी कहाँ है? कहते साहब गाड़ी तो नहीं है, ये मोटरसाइकिल है। तो मैंने कैसे जाएंगे हम? कहते पास्टर आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है? मैंने कहा चलाई तो थी मैंने,
कई बार चला चुका हूँ लेकिन इतनी हैबिट नहीं है। कहते आप मोटरसाइकिल चलाइए, मैं आपका सामान लेके पीछे बैठ जाता हूँ। मतलब उल्टा होकर बैठ गया वो, प्रेज़ द लॉर्ड, और मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। मैंने कहा यार किस सेविकाई में मुझे बुला लिया, इनके पास कार भी नहीं है और मैं जा रहा हूँ खोखरी। खोखरी एक आदिवासियों का है, भुसावल से उतरेंगे ना तो चोपड़ा गांव है, चोपड़ा से आप खोखरी जाएंगे 80-90 किलोमीटर है वहाँ से, और 80-90 किलोमीटर मुझे मोटरसाइकिल चलानी है। बीच में पासवान का घर पड़ा, वहाँ मैंने चाय पी और उन्होंने कहा आप यहाँ नहा लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं नहाऊँगा, मैं वहीं पर नहा लूँगा। मैं सोच रहा हूँ इन्होंने होटल बुक किया होगा मेरे लिए कि मुझे वहाँ पर वहाँ नहाऊँगा आराम से, अभी यहाँ क्यों नहाऊँ मैं इस छोटे से घर में, वो घर ज़्यादा अच्छा था, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं खोखरी पहुँचा, वहाँ पर मैंने देखा जो पास्टर थे वो घर बना रहे थे खड़पैल, एक मिस्त्री की तरह लगे हुए थे। मैंने कहा पास्टर कहाँ है? कहते वो देखिए वो सीमेंट चढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ये पास्टर है यार, हालेलुया। वो आए कैसे हैं वगैरह वगैरह, अच्छा कैसा सफ़र कटा, अच्छा अच्छा। तो कहते आप थक गए होंगे अब नहा लीजिए। मैंने कहा हाँ मैं थोड़ा नहाना चाहता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ दी महेश इधर आओ। वो एक बाल्टी लिए हुए और हाथ में उसने साबुन लिया हुआ और टॉवल लिया हुआ, वो खड़ा हो गया। कहते नहा लीजिए साहब। मैंने कहाँ नहाऊँ? कहते यहाँ, हमारे पास बाथरूम तो है नहीं। सर मैंने कहा यहाँ नहाऊँ मैं? मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ पर आ गया यार, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है अब सब लोग खड़े हुए, फिल्म इंडस्ट्री से लोगों को पता लगा एक हीरो आया है तो सब ऐसे देख भी रहे हैं कि अब ये कहाँ से आया है, और उनके सामने मैं कपड़े उतार रहा हूँ और टॉवल बांधा हुआ है और ये डर भी रहा है कि टॉवल कहीं गिर ना जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। अब वहीं पर मैंने नहाया, अपने मन में बड़ा वो था कि यार मैं कहाँ पर, मुझे आ गया, मैंने पता क्यों नहीं किया, होटल भी नहीं था यहाँ पर। और वहाँ पर नहा धोकर मैं आया, अब इतना बड़ा हॉल था इससे छोटा आधा था। जब मैं आया तो उन्होंने कहा आपको यहाँ पर सेविकाई करनी, यहाँ पर प्रवचन बोलने हैं। कोई माइक वगैरह नहीं था, एक छोटी सी खाट थी, उसी खाट पर मुझे सोना था और उसी खाट पर मेरी अटैची थी और वहीं मुझे तैयार होकर, बहनें वहाँ पर थीं घूंघट निकाल कर बैठी हुई थीं, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आया बाथरूम से तो मैंने देखा सब लोग बैठे हुए हैं, टॉवल बंधा हुआ था, इटैची खोलकर मैंने कपड़े निकाले, उनके सामने कपड़े पहन रहा हूँ और उनके सामने ही मैंने प्रभु का वचन बांटा। रात को खाना खाया, अच्छा उन्होंने चिकन बनाया, लेकिन वो लोग उसमें बनाते हैं ना नारियल के तेल में, राई के तेल में, तो उसकी स्मेल आ रही थी मुझे। तो मैं रात को रोने लगा, मैंने कहा प्रभु आप कहाँ लेकर आ गए। बाहर मैदान में था, नींद नहीं आ रही थी, मेरी टांगें इतनी चरपाई के बाहर लटकी हुई थी, लाइट जल रही हुई थी, नींद ही नहीं आ रही थी, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं वहाँ पर गया और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप कहाँ ले आए। प्रभु ने मुझसे बात की, क्यों? तूने प्रार्थना की थी ना कि मुझे सुसमाचार के लिए ले चल, तो कहीं भी आपने प्रार्थना की थी ना, प्रभु मुझे कहीं भी लेके जा, मैं जाना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ। तूने कहा था ना, तूने ये कहा था कि मुझे आपका 5-स्टार में लेके जा या बड़े बड़े शहरों में लेके जा या विदेशों में लेके जा, तूने ये कहा था? तूने कहा था कहीं भी लेके जा, मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैंने कहा हाँ यार गलती मेरी है, मुझे एहसास हुआ, प्रेज द लॉर्ड। और वो उसके बाद जो 3 दिन बीते हैं अद्भुत तरीके से मेरे जीवन में बीते, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी हम परमेश्वर की आवाज में परमेश्वर से वाचा बांधते हैं, जिस तरह हन्ना ने बांधी। हन्ना तड़प रही थी अपने बच्चे के लिए, उसने वाचा बांधी परमेश्वर की ओर से कि मैं तुझे अपना बच्चा दे दूंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हन्ना कोई पास्टर थी? क्या कोई अगवी थी? क्या उसका कोई चर्च था? लेकिन बाइबल कहती है कि जिस दिन शमूएल पैदा हुआ, जिस दिन उसका बच्चा पैदा हुआ, उसने उसका नाम शमूएल रखा। शमूएल का मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर से उसका नाम शमूएल रखा, ताकि वो भूल ना जाए कि उसने परमेश्वर के संग वाचा बांधी है। और 3 साल तक वो उस शमूएल को दूध पिलाती रही, उसने उसका बर्थडे नहीं मनाया, उसने उसको खिलौना नहीं दिया, उसने उसको मिठाई नहीं दी, उसने उसको संसार से नहीं मिलवाया। और 3 साल तक वो शमूएल को बताती रही कि तेरा पिता यहोवा है, तेरी माँ यहोवा है,
तुझे यहोवा की सेवा करनी है, तुझे यहोवा के संग रहना है, तुझे यीशु के साथ रहना है। 3 साल तक वो जो शिक्षा देती रही। प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल के आने से पहले शमूएल को पता था, शमूएल को बताया था, हन्ना को बताया था कि उसे क्या करना है, शमूएल के लिए क्या योजनाएं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है जब वो 3 साल का बच्चा हन्ना ने और अल्काना ने प्रभु के मंदिर में उसे छोड़ा, तो वो उसने पीछे मुड़कर अपनी माँ को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा। वो परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित था। परमेश्वर जब आपको चुनता है मेरी बहन मेरे भाई, तो परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे जीवन को जीना है। परमेश्वर हमें चुनता है, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम उसकी योजनाओं को समझना नहीं चाहते, हम उसके अनुसार जीना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब हम उसके अनुसार जिएंगे तो परमेश्वर का हर वचन आप में सिद्ध होगा। शमूएल जो कि संसार का नहीं था, प्रभु का था, और बाइबल कहती है जैसे ही वो बढ़ता गया, उसके मुख से जो निकलता था वो पूरा होता था। उसके मुख से निकला हुआ कोई भी वचन धरती पर नहीं गिरता था, जो वो कहता था होता था। हालेलुया। शमूएल के द्वारा इज़राइल को बचाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के चुने हुए बंदे हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई आत्माएं हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हमें संवार कर, हमें निखार कर वो रूप दे और हमें बताए कि हमें क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और नबी हुआ है मूसा, जिसको पैदा करने से पहले परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय फिरौन, जब उसे पता लगा तो उसने इब्रानीस के जितने नवजात शिशु थे ऐलान किया कि उन सबको मार दिया जाए, उनको सबको मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि लिखा था कि एक पैदा होगा जो यहां से परमेश्वर का योजना पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसराइलियों को लेकर जाएगा। मूसा की मां ने एक टोकरी लगवाई, 3 महीने तक उसे अंदर रखा अपने। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक टोकरी बनाई, उस टोकरी में मूसा को उसने डाला और नील नदी में बहा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर की योजना, नील नदी में उसे बहा दिया। वहां फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों के संग नहा रही है, उसने जैसे इस टोकरी को देखा, उस टोकरी को उसने उठाया, जैसे उसने टोकरी का ढक्कन खोला, मूसा रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिरौन की बेटी के मन में तरस आया कि बच्चा रो रहा है, कितना खूबसूरत बच्चा है। हालेलुया। उसने उठा लिया, फिरौन की बेटी ने उसे अपना बेटा बनाना चाहा। ध्यान दीजिए, फिरौन की बेटी ने उसे अपना बेटा बनाया। उसी पल मूसा की बड़ी बहन सामने आती है। अब वो 3 महीने का बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बच्चे को माँ का दूध चाहिए, कहाँ से मिलेगा? मूसा की बेटी ने कहा कि अगर तू चाहे तो मैं इब्रानी की माँ को, किसी आया को, किसी औरत को लेकर आती हूँ जो कि इसको दूध पिलाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की अद्भुत योजना है। उसी की, मूसा की माँ ने ही मूसा को 3 साल तक दूध पिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना को मूसा ने कैसे जाना? अपनी मां की ओर से। वो 3 साल तक अपने बेटे को दूध पिला रही थी और 3 साल तक उसकी मां मूसा को बता रही थी कि तू मिस्री नहीं है, तू इब्रानी है, तुझे यहां से अपने भाई बंधुओं को लेके जाना है, छुटकारे से साथ लेके जाना है, छुटकारा दिलाना है। 3 साल तक उसकी मां मूसा को बता रही थी कि तुझे क्या करना है, क्या करना है? परमेश्वर की योजना। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि जब वो 40 साल का हुआ, उसने मिस्र देश छोड़ दिया। इब्रानियों 11:24-27 के बीच में हम पढ़ेंगे, उसने मिस्र देश छोड़ दिया। वो कौन था? फिरौन का राजकुमार, फिरौन की बेटी का बेटा था वो। वो एक राजकुमार की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसने उस जिंदगी को छोड़ दिया जब उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे भाई, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? हमारे मन में सबसे बड़ी तड़प यह होनी चाहिए कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों चुना है, परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है, मैं क्या तेरे लिए करूं, मैं कैसे तेरे राज्य को बढ़ाऊं। परमेश्वर ने आप सबको चुना है और आप सबके लिए परमेश्वर की योजना है। हम उस योजना को पहचानते नहीं हैं, हम उस योजना को पहचानना नहीं चाहते, क्योंकि हम
परमेश्वर के चुने हुए तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि संसार में अपने जीवन को बिताएं, संसार को हम ना छोड़ें। प्रेज द लॉर्ड। 11 का 24 और 25 26 27 पढ़िए इब्रानियों। देखिए मूसा ने क्या किया, 24 ना, हाँ, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मेरे लिए कोई योजना बनाई है। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर का चुना हुआ बंदा मैं हूं। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम करना चाहता है। विश्वास ही से उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम चाहते हैं जब चुनने के बाद हमें अच्छी अच्छी नौकरियां मिलें, हमें अच्छा अच्छा ओहदा मिले, हमारा बिजनेस अच्छा चले, हम ये चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके बीच में अगर परमेश्वर की योजना खत्म हो रही है, अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन में काम नहीं कर रही है, तो वो सोचने का विषय है मेरे भाई। मूसा को परमेश्वर ने राजकुमार की पदवी दी थी, मूसा को परमेश्वर ने राजकुमार बनाया था, महल में रखता था उसे वो, लेकिन मूसा ने सयाना होकर विश्वास के संग, जब उसे एहसास हुआ, जब परमेश्वर की उपस्थिति को उसने महसूस किया, जब उसने महसूस किया कि मुझे परमेश्वर ने क्यों चुना है, क्यों मुझे क्यों उसने फिरौन के घर में पहुंचाया है, जब उसने महसूस किया, उसने उसी दिन त्याग दिया। आगे, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। किस लिए? क्योंकि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ सुख भोगना उत्तम लगा। हमारे जीवन में अगर संसारिक सुख पाप लेकर आता है, मेरे भाई हम उसके योग्य नहीं है, हमें वो नहीं लेना है। अगर संसारिक सुख हमें पाप देता है, अगर संसारिक सुख हमारे अंदर पाप लेकर आता है, तो हमें उस पाप से दूर रहना है। बाइबल कहती है कि हमें दुख भोगना ज्यादा भला है, ज्यादा भला है। हम एक छोटे से घर में रहें वो ज्यादा अच्छा है, हम बड़े महल में रहें और उसमें पाप के साथ रहें, उससे अच्छा है कि हम छोटे से घर में रहें जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी का दुख, अभी का कह, आने वाली आशा से उसकी कोई कीमत नहीं है। जो आने वाली आशा है, जो आने वाला सुख है, जो आने वाला पल है, जो यीशु मसीह बादलों पे आकर हमें लेकर जाने वाला है, वो पल अद्भुत है, वो आशा अद्भुत है, वो सुख अद्भुत है, वो सच्चाई अद्भुत है। उसके सामने दुनियावी सुख की कोई कीमत नहीं है मेरे भाई, कोई कीमत नहीं है। मैंने बॉलीवुड में होकर बहुत प्रोग्राम दिए हैं, बहुत कॉमेंट्रीज दिए हैं, बहुत बड़े बड़े शोज किए हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब मैं इस मंच से बोलता हूं तो मुझे अद्भुत आशीष का सुख मिलता है। वहां मैं बोलता था तो मुझे पैसे मिलते थे, यहां मैं बोलता हूं तो मुझे परमेश्वर मिलता है। हालेलुया। कोई कीमत नहीं ब्रदर, कोई कीमत नहीं पैसे की, उस संसार की कोई कीमत नहीं है परमेश्वर के सामने। क्योंकि जब परमेश्वर आएगा तब आपको एहसास होगा, तब आप जानेंगे कि अरे यार मैंने कितनी घड़ी गलती कर दी, क्यों मैं अपने अहम में रहा, क्यों मैं अपने ईगो में रहा, क्यों मैं अपने लालच में रहा, क्यों मैं अपने पेट के लिए जीवन जीता रहा। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर तुमने संसार को पा लिया और अपनी आत्मा खो दी तो तुमने क्या पाया। प्रेज द लॉर्ड। क्या पाया? परमेश्वर आपको जब चुनता है, उसकी जो योजना है वो उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए है। मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप में कितनी दिलचस्पी रखता है। मूसा ने यूं ही नहीं छोड़ दिया। जब मैदान शहर में मूसा रहा, मूसा ने अपना नाम किसी को नहीं बताया कि मेरा नाम मूसा है। 40 साल तक वो राजकुमार जो फिरौन का था, जो फिरौन की बेटी का बेटा था, राजकुमार की तरह जिंदगी बिता रहा था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए चुना गया है,
मैं परमेश्वर का हूं। उसने उस शहर को, मिस्र को छोड़ा और मैदान शहर में आ गया। मैदान शहर में बकरियां बेचने टहलाने लगा, भेड़ बकरियों को चराने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन, दो दिन नहीं, 40 साल, 40 साल तक, क्योंकि परमेश्वर की भूख थी उसकी। वो खोज रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर तूने मुझे चुना है, बता। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब परमेश्वर एक दिन प्रकट हुआ उसके सामने, प्रकट हुआ उस झाड़ियों पे, वो झाड़ी जो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। क्या था वो? मूसा ने उस झाड़ी को देखा जो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। क्या थी वो झाड़ी, वो जलने वाली चीज क्या थी? इज़राइल, परमेश्वर के लोग जल रहे हैं लेकिन भस्म नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके लिए उतर आया है, नीचे से स्वर्ग से जमीन पर आ गया है ताकि उन अपने बच्चों को बचाए। परमेश्वर आपके लिए जमीन पर उतरा, परमेश्वर ने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहाया। मेरी बहन, आपके लिए उसने अपने आप को पूरी तरीके से पाप में पापी बना, वो आपका पाप उसने अपने ऊपर लिया ताकि आप सुख भोगे, ताकि आप पवित्र हो जाएं, ताकि आप उस स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं जो परमेश्वर देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह धरती पर आता, यीशु मसीह ने क्या किया? आते ही उसने बपतिस्मा लिया। क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं? जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ क्योंकि उसकी धार्मिकता थी, और यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गई। कहां ले गई? कौन सी आत्मा? परमेश्वर को, परमेश्वर ने क्या कहा था उससे पहले? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना हुआ था, आकाश से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आकाश और स्वर्ग ने बताया कि परमेश्वर ने उसे चुन लिया है, वो उसका परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद भी पवित्र आत्मा उसे कहां ले गई? जंगल में, 40 दिन के उपवास के साथ, 40 दिन के उपवास के साथ, भूखा पेट, ना उसने खाया ना उसने पानी पिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर कौन था? शैतान था। परमेश्वर की इच्छा थी कि शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी कभी परीक्षा में पड़ जाते हैं हमारे जीवन में, कभी कभी जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो हम समझते हैं हमारे जीवन में परीक्षा आई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा काम जो बनता है वो बिगड़ जाता है, आप परीक्षा में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करिए, उस परीक्षा में स्थिर रहिए। परीक्षा में स्थिर होना बहुत जरूरी है। उपवास हमें क्या बताता है? यशाया 58:5। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? जिसमें मनुष्य, जिसने उपवास किया है, वो अपने आप को दीन करे। क्या चाहता है परमेश्वर? क्यों यीशु मसीह को उपवास कराया? उसकी दीनता के लिए, ताकि वो दीन बने, ताकि वो नम्र हो। उपवास परमेश्वर चाहता है कि मुझ में दीनता लेकर आए, मुझ में नम्रता लेकर आए। मैं शरीर के लिए ना जीऊं, शरीर मुझे आजमाइशों में ना डाल सके, शरीर की वजह से कहीं मैं पाप में ना पड़ूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह को शैतान आजमाइशों में, उसकी परीक्षा कर रहा था, और यीशु मसीह दीन बनकर, दीनता के साथ शैतान की हर सवाल का जवाब दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस वचन पर नहीं जाऊंगा, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि किस तरीके से परमेश्वर आपको चुनता है, तो आपके लिए योजना तैयार करता है, आपको संवारता है, आपको बनाता है,
अगर आपके जीवन में कहीं कुछ टेंशन है, अगर आपके जीवन में कहीं कुछ संकट है, आप विश्वास करिए, अपनी दीनता को मत छोड़िए, अपनी नम्रता को मत छोड़िए। आप विश्वास करिए कि परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपके अंदर से ऊपर खाबड़ जो चीजें हैं, आपका अहम, आपका घमंड, आपकी आपका धीरजपन, जो अधीरजता है परमेश्वर वो निकाल रहा है। हम मतलब इंपेशेंट हो जाते हैं, हम कभी कभी इंपेशेंट हो जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा मेरे संग काम। नहीं, हमारे अंदर कौन होना चाहिए? धीरज। धीरज हमें बलवंत करता है, धीरज हमें शुद्ध करता है, धीरज हमें बनाता है। हम प्रार्थना करें मेरी बहन, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन धीरज के साथ, धैर्य के साथ, और आपका विश्वास मुकम्मल रहे, आपका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत रहे। भजन संहिता 40:1, आपका धीरज ना खोए। यही परमेश्वर यीशु के संग चाहता था। यीशु मसीह ने अपनी दीनता को नहीं खोया। यीशु मसीह का जेवर क्या था? दीनता, नम्रता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या था उसके पास? वो दीन था, वो सेवक, सेवा करने के लिए आया था। उतने अद्भुत चमत्कार किए, लेकिन किसी की महिमा अपने लिए नहीं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पिता ने किया। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने चेलों के संग नाव में गया, नाव में सो गया। कौन सोता है ऐसे? कभी सोचा आपने? एक बच्चे को आप लेके जा रहे हैं, अगर बच्चा थका हुआ है कहीं भी सो जाएगा। एक बच्चे को कभी देखा आपने? वो बच्चा नहीं देखेगा कि आपकी गोदी है, इनकी गोदी है, इनका पलंग है, उसका पलंग है, कौन सी जगह है, वो बच्चा नहीं देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे को नींद आएगी, वो कहीं भी सो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा आदमी सोचेगा, अरे मुझे यहां सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, यहां पर तकिया है, यहां पर ये है, ये है, लाइट जल रही। नो, बच्चा नहीं देखेगा। यीशु मसीह नाव में गया अपने चेलों के साथ, उसने बोला चलो उस पार चलते हैं, और नाव चली, यीशु मसीह सो गया। यीशु मसीह में बच्चा था। यीशु मसीह अपने पापा की उंगली थाम के बैठा था। मेरे पापा ये कहता, मेरा पापा वो कहता है, मेरे पापा ने ये कहा, मेरे पापा ने जो मैंने सुना है मैं वही करता हूं। पापा 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 पापा। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर पिता हर पल था, पिता की उपस्थिति हर पल थी। वो एक बच्चे की तरह जिंदगी जी रहा था, पिता की आज्ञा पे चलता था। उसके अंदर दीन था, थी नम्र, उसके अंदर अहम था ही नहीं। बर्तिमाई आया यीशु मसीह के पास, यीशु हे दाऊद की संतान। यीशु मसीह रुके, क्या चाहिए? आप सोचिए, यीशु मसीह की दीनता, नम्रता। वो उससे पूछ रहे, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं तेरे लिए, बता। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या करूं? कहता मैं देखना चाहता हूं। देख, हालेलुया, देख, तुझे क्या चाहिए? तू मेरे पास आया है। यीशु कहता है तू बस मेरे पास आ, हम बस यीशु के पास आए, हमें यीशु के पास रहना है मेरे भाई, उसके बाद आप जो चाहेंगे वो आपको देगा। हम अपनी चाहत रखते हैं, हम अपनी इच्छाओं को रखते हैं अपने अंदर, लेकिन उसके पास नहीं जाना चाहते, उसके करीब रहना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के पास कौन था? परमेश्वर। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। अगर आप यूसुफ की कहानी जानते हैं तो आपको पता होगा कि यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो मिस्र पहुंच गया। क्या आपके किसी सखे संबंधी ने आपको बेचा है, गुलाम बनाया है? लेकिन वहां पर यूसुफ उदास नहीं था, वो सफलता के संग आगे बढ़ता रहा। उत्पत्ति 39 का दो, हालेलुया 39। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के संग कौन था? परमेश्वर। और बाइबल क्या कहती है? 39:2 पढ़िए। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया, वो सफलता उसने हासिल की। क्यों, कैसे? सोचा कभी कि परमेश्वर उसके साथ कैसे था? जब परमेश्वर आपके संग होता है तो क्या होता है?
सोचिए कैसे था परमेश्वर, कैसे लोगों ने जाना कि परमेश्वर इसके साथ है। वो गुलाम था लेकिन परमेश्वर का चरित्र उसके अंदर था, उसके अंदर प्रेम कम नहीं हुआ, उसके अंदर नाराजगी नहीं थी, वो परमेश्वर का चरित्र लिए घूम रहा था। पोतीपर को उसके अंदर परमेश्वर दिख रहा था, भाग के काम कर रहा था। उसे एक बार ही पोतीपर ने कहा, अरे पोतीपर मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, मैं याकूब का बेटा हूं, अंग रखा पहनता हूं, मुझे कितना परमेश्वर ने दर्शन दिए, मैं कितना अच्छा घर में था, मेरा बाप कितना पैसे वाला। यहां जाओ यूसुफ। ओके, दीनता थी, नम्रता थी उस गुलामी में। परमेश्वर उसके साथ कैसे था? क्योंकि परमेश्वर के गुण उसके साथ थे, परमेश्वर का प्रेम उसके साथ था। वो किसी के लिए भी काम करने के लिए तैयार था, वो हर काम करने के लिए तैयार था। आप समझते हैं गुलामी की जिंदगी? आज तो गुलाम नहीं होते लेकिन पुराने जमाने में गुलाम होते। गुलाम की जिंदगी आप समझते? गुलाम अपनी सांस नहीं ले सकता, अपने अपना जो खाना बचा हुआ होता वो उसे मिलता है। Praise the Lord। वो गुलामी की जिंदगी जी रहा है लेकिन प्रभु उसके साथ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के चरित्र को उसने जाने नहीं दिया, परमेश्वर का प्रेम उसने जाने नहीं दिया। उसने हमेशा धन्यवाद किया, फेंकी हुई रोटी मिली, धन्यवाद पिता इन्हें आशीष दीजिए। Praise the Lord। Amen। प्रभु उसके साथ था इसलिए वो सफल होता गया। उसको जेल में पहुंचा दिया लेकिन वहां भी बाइबल कहती है कि प्रभु उसके साथ था। Praise the Lord। आपके संग परमेश्वर रहना चाहता है अपने आपके अंदर बनकर, उसका चरित्र आप में चाहता है। वो चाहता है कि मेरे हर बच्चे में मैं दिखूं। अगर मुझमें यीशु नहीं दिखता तो इसका मतलब मैं यीशु का नहीं हूं। मैं अगर बाहर जाता हूं मुझमें यीशु दिखना चाहिए, यीशु की नम्रता मुझमें होनी चाहिए, यीशु की दया मुझमें होनी चाहिए, वो भूख मुझमें होनी चाहिए, वो तड़प मुझमें होनी चाहिए जो यीशु मसीह में थी। इसको वो कहता है कि सही उपवास का मतलब क्या है? दीनता। दीनता का होना सही उपवास है। अगर आप उपवास रखे हुए और आप में दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? आप परमेश्वर के चरित्र को कब पालेंगे? जब आप दीन होंगे, जब आप शून्य हो जाएंगे। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, खाली किया, अपनी भलाई से भी खाली किया, अपनी अच्छी बातों से भी खाली किया। उसने अपने आप को खाली किया, वो पापी नहीं था, उसने अपनी हर अच्छी बात से खाली किया। हालेलुया। इसलिए जब हम खाली करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। उत्पत्ति 17 का 1, परमेश्वर की उपस्थिति अगर उसके चुने हुए बंदे के पास नहीं है तो ये चिंता का विषय है। इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना था, उसके संग वाचा बांधी थी उत्पत्ति 15 में, लेकिन उत्पत्ति 16 में इब्राहिम ने क्या किया? वो परमेश्वर की वाचा को भूल गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार वो हाजिरा के पास चला गया। और उत्पत्ति 16 का अध्याय अंत में बताता है कि उसको बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसने इश्माइल रखा। जब इश्माइल पैदा हुआ तो वो 86 ईयर का था, 86 साल का था इब्राहिम। हालेलुया। और 17 का पहला बताता है कि वो 99 साल का जब हुआ तो परमेश्वर ने उससे बात की। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति को भूल गया था। इब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहा था। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में इब्राहिम चलता तो इश्माइल पैदा नहीं होता। इश्माइल पैदा नहीं होता मेरे भाई। इसलिए परमेश्वर को आना पड़ा। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा? 17 का 1 पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। प्रेज द लॉर्ड। मैं सर्वशक्तिमान, उसे फिर बताना पड़ा कि मैं कौन हूँ।
मैं इब्राहिम जो तुझसे बात कर रहा हूं, मैं कौन हूं? अपने कान खोल, मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे मूल पिता बनाना चाहता हूं। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, तू मेरी बातों को समझ। Praise the Lord। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं मैं। मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं है। मैं हूं रचयिता, मैं हूं। मेरी उपस्थिति में चल, इधर उधर ना भटक, इधर उधर मत देख। मेरी उपस्थिति में चल, तब तू सिद्ध होगा। Praise the Lord। यानी कि सिद्ध होना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में, परमेश्वर के हाथ में नहीं है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, आप सिद्ध होंगे। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में कब चलेंगे आप? जब आप संसार से निकलेंगे, जब संसार को अपने अंदर से निकालेंगे। संसार को पहला स्थान नहीं देंगे। Praise the Lord। संसार के ईश्वर से दूर रहो। Praise the Lord। संसार का ईश्वर कौन है? नहीं, आप शैतान को दोषी देते हैं। नहीं, संसार का ईश्वर कौन है? आपका लालच आपका ईश्वर है, आपका स्वार्थ आपका ईश्वर है, आपका पैसा आपका ईश्वर है। आप जिस चीज को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हैं वो आपका ईश्वर है। Praise the Lord। इसलिए वचन कहता है, बाइबल कहती है कि हम संसार के ईश्वर को अपना ना बना लें, संसार के ईश्वर को अपने अंदर से निकालें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। इसलिए इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरी उपस्थिति में चल, तभी तू सिद्ध बनेगा। Praise the Lord। तभी हम सिद्ध बनेंगे, तभी हम उसका आशीष पास आएंगे। अगर उसकी उपस्थिति में नहीं रहेंगे मेरी बहन, हम भटक जाएंगे। और लोग भटक रहे हैं। Praise the Lord। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है। पौलुस को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। देखिए, पौलुस को परमेश्वर ने चुना, एक्स प्रेरितों का काम 9:15-16। और उसको काम, उसको चुनने के बाद उसको बताया कि तुझे क्या करना है। परमेश्वर हमें बता चुका है हमें क्या करना है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें बताया कि हमें क्या करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को पता है कि हमें क्या करना है? हालेलुया। क्या हम उसके अनुसार जी रहे हैं? क्या हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? पौलुस जो कि शाऊल था और यीशु मसीह की आराधनालयों में जा जाकर वो लोगों से, लोगों को धमकी देता था, मारता था, उनको कारावास में डालता था, लेकिन एक बार यीशु मसीह ने उसे चुना। Praise the Lord। यीशु मसीह ने उसे छू लिया, उसकी आंखों की रोशनी बंद हो गई। वो तीन दिन तक ना देख सका न खा सका। हनन्या के द्वारा यीशु मसीह ने उस तक संदेश पहुंचाया। हनन्या जो कि परमेश्वर का धर्मी था, चुना हुआ था, हनन्या यूसुफ के पास आया, शाऊल के पास आया, पौलुस के पास आया और उसने क्या कहा, सुनिए 9:15-16। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजा और इसराइलों के सामने। हनन्या जाना नहीं चाहता था। हनन्या ने यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह वो आदमी गलत है, वो आपके लोगों को मार रहा है, आराधनालयों को तोड़ रहा है, आपके लोगों को कारावास में डाल रहा है। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, उसको मैंने चुना हुआ है। पढ़िए, अब पढ़िए। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा,
क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि पौलुस को चुनने से पहले परमेश्वर ने बताया कि उसे क्या करना है। उसको चुना हुआ था राजाओं के, अन्य जातियों के लिए, ताकि आप यीशु मसीह का नाम प्रकट करें। हमें क्यों चुना परमेश्वर ने? ताकि हम अन्य जातियों के पास जाएं और परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाम प्रकट करें। इसलिए पौलुस ने एक प्रार्थना दी है, इफिसियों 1:17-18 अगर हम पढ़ेंगे पता लगेगा। इफिसियों 1:17-18 पर यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा हमें एक प्रार्थना दी है कि हमें क्या प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। हालेलुया। इफिसियों 1:17-18 जल्दी पढ़िए कि हे हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। क्या कहता है पौलुस? कि उसे मांगिए, उसे कहिए कि पिता परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा का प्रकाशन दीजिए, अपनी पहचान में मुझे आत्मा का और ज्ञान का प्रकाशन दीजिए। प्रभु मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए। पौलुस कहता है कि आप मांगिए, आप प्रभु से कहिए, प्रार्थना करिए कि मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए ताकि मैं आपकी बुलाहट की आशा को जान सकूं। बुलाहट की आशा परमेश्वर की क्या है आपके लिए? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है? क्यों आप यहां बैठे हुए हैं? क्यों परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है? क्यों अनंत काल के सुख का आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है? इसलिए प्रार्थना करिए कि पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, अपनी पूर्ण पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दीजिए ताकि मैं आपकी बुलाहट की आशा को जान सकूं। मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए। शरीर की आंखों को नहीं बहन, मन की आंखों को ज्योतिर्मय करिए ताकि मैं जान सकूं कि मेरा पिता मुझसे क्या चाहता है, उसने मुझे क्यों चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे पिता, पिता परमेश्वर, पिता की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। हालेलुया। इसलिए जब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम संकट से भागे नहीं, हम संकट से घबराए नहीं, हम संकट में अगर घबराएंगे तो शैतान हमारे जीवन में काम करेगा, हमें गलत सलाह देगा, हम गलत दिशा में जाएंगे। लेकिन अगर संकट में हमारे पास धीरज होगा, विश्वास होगा, विश्वास करिए परमेश्वर आपके साथ है। यहां पौलुस क्या कहता है 9:15-16 में उसने क्या कहा? परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजा और इसराइलों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। आप समझ रहे हैं? मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। सुख नहीं लिखा यहां पर, हम सिर्फ सुख के लिए आते हैं कि प्रभु के पास आए हमें सुख क्या मिलेगा। प्रभु की उपस्थिति में अगर हम शरीर का दुख भोग रहे हैं तो यह सुख है। मेरे लिए उसे कौन सा दुख उठाना पड़ेगा? क्या आपने किसी में से ऐसा किसी ने दुख उठाया आज तक? क्यों उठाया उसने दुख पौलुस ने? क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा अपने साथ रखा। वो जेल गया, प्रभु की उपस्थिति उसके साथ थी। उसने कोड़े खाए, प्रभु की उपस्थिति उसके साथ थी। उसका आनंद नहीं खोया। लेकिन आप सोचिए, जिस दुख की परमेश्वर बात कर रहा है, अगर उस दुख में परमेश्वर आपके साथ है तो क्या वो दुख आपके लिए बड़ा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया, हाथों और पैरों में कीले चुभवाई, कोड़ों की मार खाई,
उनके सारे जिस्म का जो मांस था वो उखाड़ गया, लोग उसका चेहरा पहचान नहीं पाते थे। लेकिन कौन था उस दुख में, कौन था उस पीड़ा में? परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। किसी ने नहीं पहचाना यीशु मसीह को, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उस चोर ने पहचाना और यीशु मसीह ने कहा कि आज रात को ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए जरा सा भी दुख उठाना नहीं चाहते, हम अपने आप को कष्ट देना नहीं चाहते, हम अपने शरीर का सुख नहीं छोड़ना चाहते। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है किसी काम के लिए तो आप विश्वास करिए कि परमेश्वर ने वो काम करने की आपको शक्ति भी दी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अगर आपसे कहा है कि जाओ दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, तो आप विश्वास करिए कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपके लिए आत्माएं हैं। ये मत कहिए कि मैं इस तरफ जाऊंगा या उस तरफ जाऊंगा, कौन मिलेगा मुझे क्या, नहीं, अपने मुंह से ये मत बोलिए। अंगीकार करिए कि मैं जहां जाने वाली हूं वहां परमेश्वर का आशीष मुझे मिलेगा, आत्माएं मुझ आत्माएं परमेश्वर यूं ही आपको भेज देगा क्या? क्या पौलुस के जीवन में राजा थे? कब आए राजा? बाद में। किन राजाओं को सुनाया पौलुस ने? आप फिर दो काम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। उन राजाओं के सामने पौलुस बंदी बनकर रहा, लेकिन सुसमाचार सुनाता रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था और उसने परमेश्वर की योजना को जान लिया था। जिस दिन आप परमेश्वर की योजना जान लेंगे कि मेरे लिए मेरे पिता की योजना क्या है, उस दिन आप आराम से सुकून से अपनी जिंदगी को जिएंगे। आज बेटा अपने बाप से क्यों आर्ग्यू करता है, मैं क्या करूंगा? अगर वो जान जाए कि उसका पिता क्या चाहता है, कि वो क्या बनेगा, जिसने उसे जान लिया आराम से जिंदगी जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष आपके लिए है, परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए है, परमेश्वर की शक्ति आपके लिए है, लेकिन उसकी उपस्थिति में रहने के लिए आपको आगे बढ़ना है, आपको कदम बढ़ाना है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको उसकी उपस्थिति को अपने अंदर लेना है, आपको अपने मंदिर को साफ करना है, ताकि प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बिल्कुल भी विचलित मत होइए कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया तो मुझे क्या करना है, नहीं, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो आपके लिए योजना है, आपके लिए काम है। यूं ही परमेश्वर ने आपको नहीं चुन लिया है। और यीशु मसीह ने तो क्या है, मत्ती 5:13-14 क्या कहता है कि हम उसके नमक हैं। हम कौन है? हम कौन है? उसके नमक। मत्ती 5:13-14 पढ़िए। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी का नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद पिघल जाए, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? प्रेज द लॉर्ड। नमक को अपना स्वाद बना के रखना है, हमें अपना स्वाद बना के रखना है। हम कौन है? पृथ्वी के नमक। मुझे अपने नमकीनपन को निकलने नहीं देना है, मुझे ख्याल करना है, अपने आप को बचाना है कि कहीं ये संसार का पानी मुझे नष्ट ना कर दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अंदर से मेरे जो अस्तित्व है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरे गुण है, वो ना निकल जाए। और वो क्या कहता है कि हम परमेश्वर की ज्योति हैं। क्या लिखा है 14? तुम जगत की ज्योति हो। Amen. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिपा नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। हमें परमेश्वर ने ज्योति बनाया है। यीशु मसीह जब आपके अंदर होगा मेरे भाई,
आप जहां कहीं भी जाएंगे अंधेरा दूर हो जाएगा और ज्योति बन जाएगा। आप जहां कहीं भी जिसके घर में भी जाएंगे आप ज्योति का काम करेंगे। जिसके भी घर में जाएंगे आपके द्वारा उस घर में ज्योति आएगी, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं। हमें अपनी ज्योति को बरकरार रखना है, हमें अपने नमकीनपन को बरकरार रखना है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का वचन जो हमने सीखा कि हमको परमेश्वर ने चुना है, और चुनने से पहले उसने मेरे लिए योजना बनाई है, मुझे क्या करना है उसने रचा हुआ।